दोस्तों मैं अमित यादव। दोस्तों आप बाबरी मस्जिद का जो झगड़ा है उसे जानते होंगे, यदि नहीं जानते तो हम बताते हैं। दोस्तों दिन था 6 दिसंबर 1992 का। इस दिन दोपहर 12:15 पर एक कार सेवक बाबरी मस्जिद के अंदर मस्जिद का बारकेडिंग डाककर घुस जाता है। कार सेवक से मतलब वह लोग जो मंदिर गुरुद्वारा में बिना किसी स्वार्थ का सेवा करते हैं। पहले एक कार सेवक घुसा, बाद में कई और कार सेवक मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं। फिर उसके बाद अगले 1-1.5 घंटे में पहले गुंबद गिराई जाती है और धीरे धीरे कार सेवकों की भीड़ मस्जिद को गिरा डालती है। और इस दिन शाम लगभग 5:15 रहा होगा, पहली FIR थाना राम जन्मभूमि में बाबरी मस्जिद का विध्वंस करने पर दर्ज की जाती है। और उस समय वहां के थानाध्यक्ष प्रियवंद शुक्ला थे। उन्होंने इस FIR में डकैती, धर्मशाला को क्षति पहुंचाने और धार्मिक शांति को बिगाड़ने समेत 8 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। और इसके लगभग 10 मिनट बाद यानी कि लगभग 5:25 हुआ होगा, इसी थाने में एक दूसरी FIR दर्ज की गई 8 लोगों के खिलाफ। FIR में बड़े बड़े नाम शामिल थे। कौन कौन सा नाम था आप भी जान लीजिए। लालकेश नाडवाड़ी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया और साध्वी रितंभरा जैसे। आपको बता दें कि अब इनमें से अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर और विष्णु हरि डालमिया की मौत हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो 2 मुख्य FIR हैं विध्वंस के दिन किए गए थे। उसके बाद 47 और FIR पत्रकारों ने विध्वंस के समय खुद पर हमले के मामले में दर्ज कराया था। और उसके बाद ही इस मामले में CBI की जांच शुरू होती है। लंबे समय तक ललितपुर झांसी में CBI की अस्थायी कोर्ट में मामले की सुनवाई होती रही और अब लखनऊ की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। दोस्तों आपको बता दें कि CBI ने सन 1993 में बाबरी मस्जिद के मामले में पहली चार्जशीट दायर की थी। इस चार्जशीट में बाल ठाकरे, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ब्रिजभूषण सिंह, मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, अशोक सिंघल, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा, गिरिराज किशोर और कुछ लोग और थे। दोस्तों आपको बता दें स्पेशल कोर्ट से फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसके बाद बहुत इधर उधर होने के बाद आखिरकार यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच ही गया। 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश जारी किया और कहा कि इस मामले में अडवाणी और बाकी जो भी लोग हैं उन्हें आपराधिक साजिश के अधीन लाया जाए। और CBI कोर्ट को यह आदेश दिया गया कि वह 2 साल में इस मामले की सुनवाई पूरी कर ले। फिर धीरे धीरे 2 साल का समय पूरा हुआ और फिर 19 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई और फैसले का जो समय था उसे 9 महीने और बढ़ा दिया। दोस्तों 4 जून 2020 से फिर से जो इस मामले के सारे आरोपी थे उनकी पेशी कोर्ट में शुरू हुई और फिर इतने लंबे समय के बाद 30 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुना दिया। आपको बता दें कि लखनऊ की स्पेशल CBI अदालत ने लगभग 28 साल पुरानी बाबरी मस्जिद का फैसला सुना दिया। और जो स्पेशल CBI के जज थे एस के यादव, उन्होंने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि यह घटना पहले से प्लानिंग करके नहीं किया गया था, जो कुछ भी हुआ वह अचानक हुआ था, जल्दीबाजी मत करिए। कोर्ट ने और क्या कहा वह भी सुन लीजिए। कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया और कहा कि जो विपक्षी पार्टी है वह इस मामले में सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर सकी है। और कोर्ट ने कहा कि इन 32 आरोपियों ने बाबरी मस्जिद की विध्वंस को रोकना चाहा, लेकिन भीड़ आई और उन्होंने गिरा दिया। इस मामले में आपका क्या मत है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।